हेलो दोस्तों, मैं कल्पिता ब्यूटी नाइन से। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम करवा चौथ के लिए कैसे मेकअप कर सकते हैं, हम अपना लुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा ये पूरा लुक, तो आइए देखते हैं हमें कैसे ये लुक क्रिएट करना है। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने चेहरे को प्राइम कर लेंगे। मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया है अपने चेहरे पर, तो आज प्राइमर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का ये पोर जीरो प्राइमर। ये मैंने नया ही लिया है अभी, इसलिए मुझे इसका नाम याद नहीं था, बट ये बहुत अच्छा है। एक्चुअली मेरे भी पोर्स काफ़ी ज़्यादा ओपन है, इसीलिए मैंने ये स्विस ब्यूटी का प्राइमर लिया है। और बहुत सारे मुझे ऐसे क्लाइंट्स भी मिलते हैं जिनके पोर्स ओपन होते हैं, तो वो रीज़न था मैंने अपने किट में इसे ऐड किया है। और मैंने इसे यूज़ करके देखा, काफ़ी अच्छा है ये, बहुत ही स्मूद जो है एक इफ़ेक्ट देता है चेहरे पर। आप देख सकते हैं अब मेरी स्किन यहाँ पे एकदम ऐसे ओपन लग रही है, बट ये लगाने के बाद जो है एकदम स्किन मेरी स्मूथ दिखती है। ये बात मुझे इस प्राइमर की बहुत अच्छी लगी। प्राइमर डन, अब बारी है फाउंडेशन की। तो आज मैं पहले मेकअप जो है फाउंडेशन से स्टार्ट करने वाली हूँ, आई मेकअप हम आज बाद में करेंगे, क्योंकि आज जो मैं आई मेकअप रखने वाली हूँ मैं काफ़ी सटल रखने वाली हूँ। है ये करवा चौथ का लुक, बट करवा चौथ के दिन हर लेडी की ड्रेस और ज्वेलरी ही इतनी अट्रैक्टिव होती है कि हमें मेकअप को उस हिसाब से सटल रखना चाहिए। तो आज हम आई मेकअप सटल रखेंगे और लिपस्टिक जो है हमारी थोड़ी बोल्ड रखेंगे, तो आपको भी कुछ नया लुक देखने मिलेगा। और जो आज मैं लुक क्रिएट करने वाली हूँ वो एकदम आप कह सकते हैं कि नई नवेली शादी की हुई लड़की के लिए जो है परफेक्ट है। इनफैक्ट इसे किसी भी एज की जो लेडी है वो कैरी कर सकती है, क्योंकि करवा चौथ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है व्रत माना जाता है हमारे इंडिया में। तो इसीलिए अब हम शुरू करेंगे फाउंडेशन से, और फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा मेबेलिन फिटमी का पोरलेस फाउंडेशन। अगेन मुझे पोर्स का प्रॉब्लम, मतलब मेरे पोर्स काफ़ी ज़्यादा ओपन है, इसीलिए मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। और इसका शेड है 310 सन बीच। इसे मैं बहुत ज़्यादा भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है ये बहुत बारी। और मैं उसे अप्लाई करूंगी इस रियल टेक्निक के फाउंडेशन ब्रश से। और अब मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी मेरे ब्लेंडर से, और ये रहा मेरा छोटू सा ब्लेंडर, मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी अपने फाउंडेशन को। मेकअप शुरू करने से पहले अगर आप अपने लिप्स पे बाम लगा लेंगे तो बहुत अच्छा है। मैंने निविया का बाम यूज किया है अपने लिप्स पे। स्पॉन्ज की हेल्प से बस थोड़ा सा जो है सेट कर दूंगी, ताकि कहीं भी कोई लाइन छूटी ना हो। मैं अपनी आंखों को भी सेम ब्रश से जो है बेस लगा देती हूँ।
फाउंडेशन डन और अब बारी है पाउडरिंग की। तो पाउडरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा ओजी का ये ट्रांसल्यूसेंट फाइन पाउडर, जो कि बहुत अच्छा है और आपके मेकअप को एकदम जो है इजीली ब्लेंड कर देता है। बट मैं आज पाउडर की क्वांटिटी जो है कम रखूँगी, क्योंकि जो मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है वो ऑलरेडी मैट है, तो इसीलिए पाउडर की क्वांटिटी जो है हम सिर्फ सेट करने के लिए थोड़ा डस्ट कर देंगे पाउडर। ये पाउडरिंग की कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे कॉन्ट्योरिंग। कॉन्ट्योरिंग मैं आज इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि थोड़े से चीक्स जो है हाईलाइट दिखने चाहिए। और कॉन्ट्योरिंग आज हम करेंगे मेरे ADS के इस कॉन्ट्योर पैलेट से, जो है पाउडर कॉन्ट्योर। मैं सिर्फ पाउडर कॉन्ट्योरिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरे चीक्स को इतनी ज़रूरत नहीं है हाइलाइटिंग की, बट सिर्फ एक इफ़ेक्ट देने के लिए जो है मैं पाउडर कॉन्ट्योरिंग कर रही हूँ। और ये शेड मैं यूज़ करूँगी इसमें से। कॉन्ट्योर आपको हमेशा पीछे से स्टार्ट करना है। अब कॉन्ट्योरिंग के लिए मैंने मेरा ब्रश मैन का ये कॉन्ट्योर ब्रश यूज़ किया है, सॉरी आपको बताना भूल गई, जिसका नंबर है 3। ये एंगल्ड ब्रश है, स्पेशली कॉन्ट्योरिंग के लिए है ये ब्रश। आप देख सकते हैं कैसे एंगल पे है ये ब्रश। कॉन्ट्योरिंग कंप्लीट हो गई मेरी। अब चलते हैं आई मेकअप की तरफ और बाकी चीज़ें हम बाद में करेंगे। तो आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैं मेरा यूज़ करूँगी MYC का ये पैलेट। मेरा आई बेस कंप्लीट हो गया है तो अब हम मेरी आंखों की पाउडरिंग कर लेंगे। और पाउडरिंग के लिए मैं NYC की पैलेट से ये सबसे लाइट वाला शेड यूज़ करूँगी। और उसके लिए मैं मेरा नॉर्मल जो है ये फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ, जो आई शेडो एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। आज मैं आपको आई मेकअप का एक डिफरेंट जो है तरीका बताना चाहती हूँ, बहुत ही इजी है वो तरीका। तो उसके लिए सबसे पहले जो हम आज करने वाले हैं वो है हम आई शेडो लगाएंगे। और आई शेडो के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा फेबल्स का ये कलर बीच पैलेट, जो आपको इंडिया में शायद नहीं मिलेगा। ये मैंने फिर से दुबई से मंगाया है। तो ये बेक्ड आई शेडो पैलेट है जिसमें से मैं यूज़ करने वाली हूँ ये कॉपर कलर। और इसे यूज़ करने के लिए आपको इसे थोड़ा गीला करना पड़ेगा। तो इसे गीला करने के लिए मैं यूज़ करूँगी मेरा मिस रोज़ का मेकअप फिक्सर। तो ये मैं जो है फिक्सर अपने ब्रश पर लगा लूँगी पहले। इसे थोड़ा ड्राई कर लेते हैं। और अब ये मेरा ब्रश गीला है और मैं इसमें से इस तरह जो है आई शेडो निकालूँगी। और अब हम पहले आई शेडो जो है लगा लेंगे। ये सिर्फ एक बेस कलर अभी मैं यूज कर रही हूं, इसके बाद इसके ऊपर और भी जो है चीजें आने वाली हैं। ये बहुत ही लाइट है, काफी लाइट लग रहा होगा आपको ये इस वक्त। और मैं इसे सिर्फ मेरे क्रीज लाइन के नीचे, मतलब मेरे लिड एरिया में जहाँ पे हमारे आंखों की बूंदियाँ होती हैं, बस उस एरिया में जो है मैं इसे यूज़ कर रही हूँ।
या आपको सिर्फ इतना सा लगाना है इस तरह। और ये सिर्फ मैंने बेस शैडो दिया है इसके ऊपर। अब हम यूज करेंगे HR का ये आईलाइनर, और ये भी कॉपर कलर का लाइनर है, बट इसे मैं आई शैडो जैसे यूज करने वाली हूँ, लाइनर जैसे नहीं। तो ये आपको लेना है और इस तरह इस बेस शेड के ऊपर जो है बस लगा लेना है हल्के हाथ से। और इसे अब हम अपने हाथों से ही इस तरीके से जो है ब्लेंड कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा चमक रहा है, क्योंकि ये ग्लिटर आईलाइनर है इसीलिए ये चमक रहा है इस तरह। मैं दूसरी आंख पे भी सेम वैसे ही लगा लूंगी। ये जितना इजीली हाथ से ब्लेंड होता है वो ब्रश पे जो है चिपक जाता है, इसीलिए मैं अपना हाथ प्रेफर करती हूँ इसे स्मच करने के लिए। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा हमारा आई शेडो। बहुत ही लाइट रखा है मैंने आज आई शेडो, क्योंकि मुझे लिपस्टिक जो है वो बोल्ड रखनी है। अब हम NYC के पैलेट से ये ब्राउन कलर यूज करेंगे डायरेक्टली, और उसके लिए मैं ऐसे फ्लफी ब्रश जो है यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा ब्राउन ले लिया, डस्ट कर लिया। अब आपको क्रीज लाइन बनानी है बहुत ही हल्के हाथ से। ध्यान रहे कि वो आपके गोल्डन के ऊपर नहीं आना चाहिए, मतलब आपका ब्राउन कलर जो है बिल्कुल भी गोल्डन के ऊपर आना नहीं चाहिए, वरना आपका लुक जो है वो स्पॉइल हो जाएगा। आप इस और इस आंख में डिफरेंस देख सकते हैं, ये थोड़ी खुली हुई लग रही है इस वक्त, तो मैं दूसरे आंख पे भी कर लेती हूँ। कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा सा लाइनर फिर से लेंगे। हम थोड़ा सा इसे ब्रश से जो है अच्छे से मर्ज कर देंगे। मेरी आंखें जो है चमक रही है थोड़ी सी, पर अब हम इसे थोड़ा सूखने का टाइम देंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर लाइनर लगाएंगे। उसके पहले हम अपना ब्लश और हाइलाइटर कंप्लीट कर लेते हैं। ब्लश के लिए मैं यूज़ करूँगी मेरा मिस क्लेयर का ये पैलेट, जिसमें से एक टूट गया है, और उसमें से मैं शेड यूज़ करने वाली हूँ ये लाइट पिंक। और ये मेरा रियल टेक्निक का ब्लश ब्रश जो है मैं यूज़ कर रही हूँ। ब्लश आपको हमेशा आगे से पीछे लेके जाना है इस तरह। हमारा ब्लश भी कंप्लीट हो गया। ब्लश आपके ऊपर है, आप कितना लगाना चाहते हैं। मुझे ब्लश अच्छा लगता है इसलिए मैं थोड़ा हाईलाइट रखना पसंद करती हूँ अपने ब्लश को, बट अगर आपको ब्लश पसंद नहीं है ज़्यादा तो आप उसकी मात्रा कम रख सकते हैं। और उसके बाद अब बारी है हमारे हाईलाइटर की, और आज मैं हाईलाइटर के लिए यूज़ करने वाली हूँ मेरा पैक का ये बेकिंग हाईलाइटर, जो कि गोल्डन कलर में है इस तरह। तो इसे मैं, और बहुत ही स्मूथ है वैसे ये। ये मैं थोड़ा सा अपने नोज को हाईलाइट करूंगी, क्योंकि मैंने कॉन्टोरिंग भी नहीं की है।
हाइलाइटिंग भी कंप्लीट हो गई। अब आ रही है मेरे आईब्रोज की। मेरे आईब्रोज को बहुत ज़्यादा शेपिंग की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मुझे शेप देना पसंद नहीं है, तो मैं ये मेवेलिन का मस्कारा यूज़ करूँगी जो कि थोड़ा सा सूख गया है, बट उससे आईब्रोज की ब्रशिंग बहुत अच्छी होती है। और ये एक आपके लिए छोटा सा टिप है, जब आपका मस्कारा सूख जाता है तो आप उसे आईब्रोज के लिए यूज़ कर सकते हैं बजाय उसे फेंकने के। तो ये बस मैं थोड़े से डार्क कर लूँगी अपने आईब्रोज। शेपिंग की तो कोई ज़रूरत ऐसे है नहीं मेरे आईब्रोज को। और ये मेरे आईब्रोज भी कंप्लीट हो गए। अब हम चलेंगे लाइनर की तरफ। हमें मेन जो है हमारा लाइनर लगाना है अब। और लाइनर के लिए मैं यूज़ करूँगी मेबेलिन आई स्टूडियो का ये जेल लाइनर, जो मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट लाइनर है ये। और आज जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ वो थोड़ा अलग है। तो पहले जो है हम लाइनर ले लेंगे, उसे एकदम हल्के से हमें लगा लेना है। और अब मैं मेरा ब्रशमैन का ये स्मजर लूंगी जिसका नंबर है PE29, और इससे मैं अपने लाइनर को स्मज करूंगी। आपको इसे ऊपर की तरफ स्मज करना है एकदम। पहले आप हल्के हाथ से लगाएंगे और बस आपको इसे स्मज करना है। ये मेरा लाइनर भी स्मज हो गया। ये भी कंप्लीट हो गया आईलाइनर। दोस्तों मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लगाएंगे मस्कारा, और मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का ये वॉल्यूम मस्कारा, बिग शॉट वॉल्यूम एक्सप्रेस नाम है इसका। मस्कारा भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब हम जो ये मैंने PSC का हाइलाइटर यूज़ किया था वो मैं अपनी आंखों पे भी थोड़ा यूज़ कर लूँगी कुछ इस तरह। परफेक्ट, ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। और अब बारी है लिपस्टिक की। बाकी सब तो हमने कर ही लिया है कंप्लीट, अब सिर्फ हमारी लिपस्टिक बची है। तो आज मैं लिपस्टिक के लिए यूज़ करूँगी मिस क्लेयर की ये लिपस्टिक, जो कि शेड है इसका 345, और ये एकदम ब्लड रेड लिप कलर है। और लिपस्टिक भी हमारी कंप्लीट हो गई है। और अब हम यूज़ करेंगे मेकअप फिक्सर। यहाँ मैं मिस्रोज का मेकअप फिक्सर जो है यूज़ कर रही हूँ।
ये तो दोस्तों आज का मेरा ट्यूटोरियल करवा चौथ मेकअप के लिए। और एक और टिप, मैंने यहाँ पे काजल यूज नहीं किया है क्योंकि मुझे अपने मेकअप को सेटल रखना है और मुझे अपनी ड्रेस और ज्वेलरी को हाईलाइट करना है, तो इसीलिए मैंने काजल का इस्तेमाल नहीं किया है। और ये था आज का मेरा छोटा सा ट्यूटोरियल करवा चौथ मेकअप के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। बाय।